पवई में बीते दिनों लापता हुए बच्चों को पुलिस ने ढूंढकर बच्चे के परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। बता दें कि बीते 16 दिसंबर को करीब 12 वर्षीय बालक रामकरण लोधी आदर्श हनुमान बाल मंदिर कृष्णगढ़ पढ़ने के लिए गया था, लेकिन जब रामकरण लोधी स्कूल से शाम तक वापस नहीं आया तब पूरे रिश्तेदारी में पता किया गया, लेकिन कोई पता नहीं चलने पर परिजनों ने उसके लापता होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस ने इस घटना के संबंध में तत्काल ही वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक पन्ना और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एक टीम गठित की गई और रिपोर्ट दर्ज होने के 12 घंटे के अंदर ही लापता बालक को खोजकर परिजनों को सुपुर्द किया गया। थाना पवई ने रिपोर्ट किया था कि उसका जो नाती है वो 16/12/2023 को स्कूल ठीक करके निकला था, लेकिन जब शाम तक वो घर तक नहीं पहुंचा उन्होंने पूरी रिश्तेदारी में पता किया, लेकिन जब कोई पता नहीं चला तो कल शाम को थाना रिपोर्ट करने आए थे। घटना के संबंध में तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया जो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पन्ना श्री साई कृष्ण छोटा जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती आरती सिंह और SDOP महोदय पवई श्री सौरव रत्नाकर के मार्गदर्शन में तत्कालीन टीम गठित की गई थी। रात में ही पुलिस यहाँ से पहुंची थी वहाँ पर, जब उनके लिए परिजनों के कारण पता किया और मेहनत करके उसको खोजबीन की तो वो लड़का जो अपहृत था 12 साल का बच्चा चिंता का विषय था। तत्काल हुई पुलिस के द्वारा उसके रिश्तेदारी में ढूंढ लिया गया था। रात में ही पुलिस के द्वारा उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया था। आज भी उनको थाने में तलब किया गया है। जो अपहृत बालक के माननीय न्यायालय में धारा 164 के तहत कथन लेकर आए जा रहे हैं और पुलिस ने कड़ी मेहनत करके इस बालक को दस्तियाब किया है और उनके परिजनों के सुपुर्द किया है।